अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मोहम्मद इरफान। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6.4, यूनिट नंबर 6, क्लास 9 फिजिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स के छठे यूनिट का एक्सरसाइज प्रॉब्लम 6.4 सॉल्व कर रहे हैं। अ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है जिसका मास 500 ग्राम है, इसको ऊपर फेंका गया है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो वापस आके ग्राउंड को हिट करेगा तब हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी को मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा देख लेते हैं। हमें स्टोन का मास गिवन है। गिवन डाटा में अगर हम देखें तो M इज इक्वल टू 500 ग्राम। अब हम जानते हैं कि मास का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो किलोग्राम है, तो लिहाजा ग्राम को हमें किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। 500 को डिवाइड करेंगे 1000 पे किलोग्राम में चेंज करने के लिए, तो ये दो जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो जो स्टोन का मास है ये बन जाता है 0.5 किलोग्राम। और जिस वेलोसिटी से उसे थ्रो किया गया है, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज 15 मीटर पर सेकंड। तो ये वो डाटा है जो हमें गिवन है, नोन डाटा है। अब हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है, पहले हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो वापस आके ग्राउंड को हिट करेगा, ग्राउंड से आके स्ट्राइक करेगा, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ मास और स्पीड गिवन है, तो हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना कि जब वो स्टोन वापस आके ग्राउंड को हिट करेगा उस वक्त जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जो उसकी एनर्जी होगी वो सारी की सारी काइनेटिक होगी, और मैक्सिमम हाइट पे जितनी काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पे होगी, जब मैक्सिमम हाइट होगी तो वो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। यानी आपने सिर्फ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ही मालूम करनी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लें। तो जब वो हिट करेगा ग्राउंड को तब स्टोन की जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक होगी, मैक्सिमम हाइट पे वही एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं, फार्मूला हम लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने का। के ई इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वेयर। के ई हम फाइंड आउट कर रहे हैं, के ई इज इक्वल टू 1/2, मास इज 0.5 के जी एंड स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वेयर। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं मजीद। के ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.5, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो ये सब अगर यूनिट को हम इकट्ठा कर लें तो ये जाउल बनेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है इसका यूनिट जाउल होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो अगर हम ये मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेशन हम अगर करें, तो ये हमारे पास आता है 56.25 जाउल। ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी जब वो आके जमीन को हिट करेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का ये सलूशन है, और सेकंड पार्ट का, फर्स्ट पार्ट में हमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे होगी, और जब वो स्टोन ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तब उसकी एनर्जी काइनेटिक होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी 56.25 जाउल होगी, दोनों सेम होगी। तो ये आपने याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी भी 56.25 जाउल है, काइनेटिक एनर्जी भी 56.25 जाउल है।